हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो अभी ऐसी जगह विजिट करने जा रहा हूँ जहाँ से नज़र आता है हमारा पूरा गांव। जैसे वो हमारी जगह है वहाँ से मतलब पूरा गांव नज़र नहीं आता, थोड़े बहुत घर नज़र आते हैं। जहाँ पर हम जा रहे हैं थोड़ी हाइट है, वहाँ से हमारा पूरा घर नज़र आएगा। तो आज व्लॉग में जुड़े रहें, व्लॉग करें लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। घर वाले बोल रहे हैं पानी की बोतल भर लो, क्योंकि जहाँ पे हम जा रहे हैं थोड़ी हाइट है, ज़्यादा चलना पड़ेगा तो प्यास तो लगेगी। पहले पानी की बोतल भर लेते हैं। पानी की बोतल तो भर ली है, अभी इसको यहाँ पे रखते हैं। अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि हम जा कहाँ पर हैं। वो सामने जगह जा रहे हैं, उधर से हम आपको अपना गाँव दिखाएंगे। हमारा गाँव थोड़ा नीचे है, वहाँ पर वो जगह है, हाइट पर है, वहाँ से हमारा गाँव से नज़र आएगा। और अपना घर भी वहाँ से दिखाऊँगा कि वहाँ से कैसा लगता है। साथ ही मैं मिल चुका हूँ, हंसला आया था नानों के घर, साथ में ले लिया नानों को और मम्मा को उठा, बस हंसला उठा लिया हमें दूरबीन साथ में लेके जा रहा है, क्योंकि पहाड़ से नीचे देखेगा अपना गाँव। कैसे आपको एक्साइटमेंट है हंसला? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। अभी टाइम भी कितना हो रहा है, 3 बजने वाले हैं, मतलब आधा घंटा लगेगा यहाँ से उधर। तो इंशाल्लाह पहुँच के आपके साथ वहाँ पर मिलते हैं। के साथ यहाँ पहुँच चुके हैं। हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हैं। और नहीं पहुँचे अभी, किसने बोला? अभी आज डेस्टिनेशन पे गाइस आती हुई पहुँचे गाइस। अभी बहुत आगे सफ़र है, बाकी अंदर दूरबीन के साथ यहाँ से देख रहे हैं। बाकी आपने व्यू देख लिए होंगे यहाँ से, कितने प्यारे हैं। जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों ने घास काटना शुरू कर दिया है, मतलब यहाँ पे हमारे इस महीने को कहते हैं अस्सू कहते हैं, इस हमारी जबान में अस्सू काटना शुरू कर दिया है, आप देख सकते हैं। बाकी बाकी आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत जगह है यहाँ पे। उसे भाई अभी आप देख सकते हैं रास्ता बहुत ज़्यादा छोटा है, चलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है कि मतलब इंसान अगर यहाँ से गिरेगा तो नीचे जाएगा, तो मिलना है बहुत मुश्किल है। यहाँ से नीचे गिरेगा तो 100% मरेगा। बहुत ज़्यादा मुश्किल रास्ता है, आप देख सकते हैं हाइट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और चलना बहुत मुश्किल है। अभी आप देखते हैं मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, हिम्मत नहीं हो रही ब्लॉग बनाने की, फिर भी मैंने आपके लिए ब्लॉग बनाया। अभी हंसला से दूरबीन पकड़ लिए और सामने आप भी देख सकते हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत है। बाकी आप चेक करें, इससे ज़्यादा खूबसूरती आपको कहीं देखने को मिलेगी आज़ाद कश्मीर के अंदर, क्योंकि ऐसे व्यू कहीं कहीं होते हैं। बाकी अभी जाके ऊपर से आपको बाकी व्यू दिखाते हैं, हो चुके हैं। बाकी आपको व्यू दिखाते हैं, अभी व्यू आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा प्यारे हैं। बाकी देखें ये तो छोटे बच्चे हमारे साथ हैं, व्यू आप देख सकते हैं। मैं आता हूँ, इतनी हाइट पे हम जाते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाइट पे पहुँच चुके हैं। अगर यहाँ से हम नीचे गिरेंगे तो आप सोच सकते हैं कि इंसान की लाश ही मिलेगी, उससे अलावा कुछ नहीं मिलेगा। बाकी हाइट यहाँ से नीचे देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। बाकी जा रहे हैं छोटे बच्चे भी हैं साथ में, चलना थोड़ा मुश्किल है इस पर, रास्ता बहुत ज़्यादा पतला है। रास्ता पतला होने की वजह से जो है ना चलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, थोड़ा सा बहुत ही हो रहा है। बाकी ये तीनों पहुँच चुके हैं यहाँ पे। क्या कर रहे हो अंजला? हाँ हाँ नहीं, सामने जो एरिया नज़र आ रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये सामने जो भारतीय पोस्टें बनी हुई, नीचे पाकिस्तानी, आपको मैं ज़ूम करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं सामने भारतीय पोस्टें हैं और वो सामने पाकिस्तान है, ये सामने भारतीय पोस्टें बनी हुई हैं। बाकी अभी शाम का टाइम है, वेदर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत है। कब ब्लॉग एंड करते हैं ब्लॉग, चलो आपको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। मिलते हैं आप सबको अगले ब्लॉग में।